क्या है देखिएगा, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस टॉपिक का नाम है आपका, अगला एक्सरसाइज है आपका सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन मतलब होता है वृत्तीय फलन, या इसी को हम लोग ट्रिगोनमेट्रिकल फलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है इस बात को समझिएगा, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश, या इसी को हम लोग पाद भी कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश या पाद का। आप 10th क्लास में भी क्वाड्रेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीका से आप पढ़े हुई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह क्या है? ऐसे हम लोग जानते हैं रेने डेकार्त भाई साहब क्या किए थे, इसका खोज किए हुए रेने डेकार्त। रेने डेकार्त मैथमेटिशियन है, इन्होंने यह क्या किए थे, क्वाड्रेंट का खोज किया था, क्वाड्रेंट का खोज किया था। रेने डेकार्त मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ। यहाँ पर आप एक्स देते हैं, यहाँ पर आप एक्स डैश देते हैं, यहाँ पे वाई देते हैं और यहाँ पे वाई डैश। यह आपका जीरो, जिसे हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन इसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। अब बात समझिएगा, यह जो है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसी का दूसरा नाम एब्सिसा है, जिसे हम लोग भुज कहते हैं, भुज। यह जो लाइनिंग है इसे हम लोग वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष। इसी का दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट, जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, कोटि। बात आता है, यह जो होता है इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यह जो होता है इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसी को क्यों कहते हैं या कैसे कहते हैं? तो रेने डेकार्त साहब जो आए हैं तो उन्होंने क्या बताया है कि यह ओरिजिन से इधर तो पॉजिटिव होता है और ऊपर में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला भाग और पॉजिटिव वाला भाग से जो मिलकर बनेगा जो एरिया वो क्षेत्र, उसे हम लोग क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना शुरू करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना क्या, यह फर्स्ट हो गया, इसके बाद यह सेकेंड, यह थर्ड और यह फोर्थ। इस प्रकार से आपका यह चारों क्वाड्रेंट का निर्माण। आपसे कोई आदमी पूछे सबसे प्रथम बात कि सर क्वाड्रेंट कहते किसे है, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है, कि चतुर्थांश हम लोग कहते किसे है या क्या होता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप कहना क्या चाह रहे। इसका डिफिनेशन क्या होगा क्वाड्रेंट का, कहता है कि जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को पूरा लंबवत, एक दूसरे को, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को पूर्णतः लंबवत जब वो इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि बांटता है, काटता है, तब जाकर वह क्या होता है, वह कार्तीय तल को चार भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या बोले जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा, जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है किसी कार्तीय तल में, तो वो कार्तीय तल को चार बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का मतलब सिंपल सा बात, यह क्या है, चौथा भाग होता है। यहां पर कार्तीय तल को काटता है, आप कहिएगा सर कार्तीय तल किसे कहते हैं, यह जो देख रहे हैं पूरा स्मूथ
यह जो पूरा चिकना है इसको हम लोग क्या है कार्तीय तल कहते हैं। यह जो देख रहे हैं आप पेट, इसी को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। पूरा चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या है कार्तीय तल कहते हैं। यह जो क्षेत्र है इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। जब यह दो लाइन आपस में एक दूसरे को लंबवत 90 डिग्री पे काटती है तो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसे प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पर आपका जरा ध्यान से देखिएगा, इसी बात को कहेगा क्या इंग्लिश में सर हम क्या कहें, तो बहुत ही आसान बात है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं काटती है एट 90 डिग्री इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड का, तो क्या होगा कि व्हिच डिवाइड्स इनटू फोर पार्ट्स, कि वह चार भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेंट कहते हैं।